हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमिताज किचन। सुमिताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी के मसालेदार काढ़ी। आज हम बनाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं लौकी की करी बनाना। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसको गरम कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद 2 से 3 तेज पत्ती डालेंगे। उसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद एक कटा हुआ प्याज डालिएगा। इसको फ्राई कर लीजिए। स्वाद के अनुसार नमक डालिए। हल्दी डालिए 1 चम्मच के बराबर। अच्छे से मिक्स कर लीजिए सबको। उसके बाद हरी मिर्ची ऐड कीजिए। आप चाहे तो लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। एक कटा हुआ टमाटर डाल दीजिए। उसको फ्राई कर लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा शक्कर डालिए 1/2 चम्मच के बराबर। उसके बाद मसाले को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इस टाइम पे गैस को थोड़ा सा लो पे रखिए, नहीं तो हमारा जो मसाला है वो जल सकता है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए करीबन 2 चम्मच। मसाले को अच्छे से भून लीजिए। देखिए हमारा जो मसाला है वो हो चुका है। उसके बाद आलू डाल दीजिए। ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डालिएगा 2 से 3 आलू। उसको भी मसाले के साथ मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलू को अच्छे से भून लीजिए मसाले के साथ। उसके बाद लौकी को डाल दीजिए।
लौकी को ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डालिएगा। मिक्स कर लीजिए अच्छे से लौकी को। उसके बाद कढ़ाई को कवर करके रख दीजिए करीबन 10 मिनट तक। दस मिनट बाद देखिए लौकी से पानी निकलना चालू हो गया है। उसके बाद फिर से कढ़ाई को कवर करके 10 मिनट तक रख दीजिए ताकि जो लौकी है वो पक जाए। देखिए लौकी से पूरा पानी निकल गया है और एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेक कीजिए आलू उबला है कि नहीं उबला है। ये देखिए लौकी हमारा उबल चुका है। हमारा लौकी करी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इस टाइम पे गैस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ा सूख जाए। उसके बाद आधा चम्मच के बराबर गरम मसाला डाल दीजिए। देखिए हमारा जो लौकी करी है वो रेडी हो चुका है। आप इसको चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।